लेकिन बिहार के सुशासन राज में महादलित महिला से शर्मनाक अत्याचार हुआ। जहां देश में लोग 1.5 लाख के फोन को लेने के लिए लाइन लगाते हैं, वहां बिहार में केवल 1500 रुपए का उधार न चुका पाने पर आरोप है कि महादलित महिला को दबंगों ने निर्वस्त्र करके पीटा और वो अत्याचार किया जिसे कह पाना भी कठिन है। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं महादलितों की बस्ती तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में ब्याज खोरों की यात्रा से उबकर टूट गई दलित महिला बेचारी, दबंगों के शोषण से टूटकर ईंट पर रखा हुआ एक चूल्हा, खाली बर्तन और एक कटोरे में बासी रोटी। इसी रोजी रोटी के लिए बिहार की राजधानी पटना में महादलित परिवार के साथ जो कुछ हुआ सुनकर रूह कांप जाती है। भरोसा उठ जाता है दलितों के नाम पर हित की बात करती राजनीति से और उस कानून व्यवस्था के दावों से जहां कहा जाता है महादलित सुरक्षित है। महादलित यानी बिहार में अति गरीब दलितों का सहारा लगाकर अपने लिए सत्ता का शीर्ष हासिल करने के मकसद से गढ़ा गया एक शब्द, जहां दावा सियासत जरूर करती है महादलितों के लिए सुशासन की, लेकिन जिनके चेहरे भी आपको ना दिखा सके उनकी कहानी सुनाकर आपको पूरी सियासत और कानून का ढकोसला बताना जरूरी है। जिनके सिर पर चोट है, पट्टी बंधी है, खून का निशान दिखता है, पटना के खुसरूपुर की पीड़ित महिला है। आरोप है सिर्फ 1500 रुपए उधार न चुका पाने पर इलाके के दबंगों ने इन्हें निर्वस्त्र करके पीटा। चेहरे पर इनके दबंग ने अपने बेटे से पेशाब तक करा दिया। 10 बजे रात सर बजा तो हम गए कल पर, हमको कहा कि चलो, तो उसका पति के हम कब्जा कर ले हैं, हम बाइक के झोंक में चला गए हैं, हमको सारा कपड़ा खोल दिया सर, कारनी बकने लगा, मार के आवेंगे रोड पर सर। उसका बेटा से कहा ना अंशु कुमार के, प्रमोद सिंह के, इसका जे कहा सर हम छूट पड़े सर, हम लंगे उभारे ऐसी भागल चला चला हूँ सर, मैं आपके घरे। ये उसी पटना में हुआ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंघ के संस्थापकों में रहे अंतिम व्यक्ति तक का उदय चाहने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित समारोह में पहुंचते हैं। लेकिन बिहार में सुशासन के उसी राज में महादलित को दबंग पीटते हैं, नोचते हैं, नग्न करके दौड़ा देते हैं। आंखों से देख लिया कि वहां से दौड़े हुए लंगे आ रही है, आंखों से हमने देखा कि लंगे वहां से भागे हुए आ रहे, सर से खून बह रहा है। हम तो शर्म के मारे मेरे साथ क्या बीता होगा आप खुद कल्पना करके देखिए। उस समय जहां बिहार के एक एक नेता पुलिस अधिकारी का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, वहां महादलित महिला के साथ सिर्फ 1500 रुपए के उधार के बदले हुए अत्याचार के महापाप पर पुलिस कहती है पीटा तो है लेकिन बाकी आरोप की जांच जारी है। दोनों पक्षों में कुछ पैसे को लेन देन को लेकर विवाद था, जिसके चलते अभियुक्त पक्ष के द्वारा महिला के साथ मारपीट की गई। इसमें FIR में जो महिला ने आरोप एक ये भी लगाया है कि अभियुक्त पक्ष ने उनके मुंह पर पेशाब किया और उनके कपड़े फाड़े और उनको नग्न किया। इसमें जो प्रथम दृष्टि अभी तक अनुसंधान हुआ है उसमें पैसे को लेन देन को विवाद की पुष्टि हुई है, महिला के साथ मारपीट की पुष्टि हुई है, लेकिन अन्य जो लगाए गए आरोप है उन सबके बारे में हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीर पर आए, इसीलिए सीधे हमने पीड़ित महिला से पुलिस के दावों का सच पूछा। इस बात से नकार रही है इस बात को, क्या पुलिस का कहना है कि मारपीट हुई थी, पैसे को लेकर विवाद था, लेकिन इस तरह की घटना नहीं हुई, अभी छानबीन चल रही है। जैसे बीता जैसे बोलते हैं सर, जो हमको घटना हमको साथ हुआ सर, तो हम वो बोलवे नहीं करेंगे सर। अमीरी और गरीबी की खाई दिखाती भी यह कहानी है। जहां देश में फोन लॉन्च होने के बाद 1.5-2 लाख का मोबाइल खरीदने के लिए महानगरों में लंबी लंबी लाइन लगती है, मॉल में 1.5-2 लाख का मोबाइल खरीदने के लिए लोग रात से लाइन लगाकर खड़े रहते, उसी देश में सिर्फ 1500 रुपए का उधार न चुका पाने पर महादलित महिला को प्रमोद सिंह और अंशु सिंह नाम के इलाके के दबंग पीटते हैं, मुंह पर पेशाब करते हैं। आज तक संवाददाता आदित्य वैभव को इस इलाके में पड़ताल करने पर पता चला महादलितों के यहाँ कई घर हैं,
जो दबंगों से उधार लेने को लाचार होते हैं, वो दबंग जो उधार देने के नाम पर गुंडा बैंक चलाते हैं। जो होता है ना, वो क्या करता है कि किसी को अगर 500 रुपये दिया, 10 रुपये सैकड़ा, किसी को 20 रुपये सैकड़ा, जिसका जिस जितना मजबूरी रहता है उस हिसाब से उसका दर को बढ़ा देता है। और अगर मान लीजिए किसी को 500 रुपये दिया, अगर उसको सूद अगर 800 रुपये हो गया तो 8×5=1300 होगा, फिर 1300 का सूद चलेगा, और 1300 हो गया अगर थोड़ा सा भी अगर 200 भी सूद में उसका अथी होता है फिर उसको 1400 का सूद चलेगा। इस तरह से शोषण यहाँ किया जाता है, खास करके दलितों को निशाना बनाया जाता है, जो कि पूरी तरह से दबे कुचले हो, जिसका किसी तरह का ज्ञान नहीं हो, जिसमें सिर्फ भय हो उसके साथ, और इस तरह से व्यवहार किया जाता है। कोई लिखा पढ़ी नहीं, इसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं, उसको वो अपने मन से अपने में लिख लेता है कागज पर, अगर हम पैसा भी देंगे उसका भी कोई प्रूफ नहीं, उसी ने कहता है कि बस इतना हुआ इतना दो, उसकी मर्जी की बात रहता है, अगर उसको मन हो गया तो छोड़ दिया, नहीं हुआ तो नहीं छोड़ा। इस तरह से मेरे गाँव में एक नहीं बल्कि कम से कम 6-7 गाँव घर ऐसा भी है जो उसकी डर भय से हमेशा के लिए घर छोड़ कर चले गया, अभी भी उस घर में ताला लगा हुआ, खाली पैसा का चल, जबकि पैसा निम्न मात्र लेता है। अगर 2000-5000 लिया, गरीब आदमी से 2-4 महीने 6 महीने साल भर नहीं जुटा तो 5000 50000 के रूप में बन जाता है, कहाँ से तोड़ेगा वो आदमी। मजबूरन यह होता है कि उसको घर में जाकर ताला लगा दिया जाता है। ये सब महादलितों के साथ बिहार की राजधानी में अगर हो रहा है तो फिर पुलिस क्या कर रही है? महादलित कोटे से बनने वाले मंत्री क्या करते हैं? विधायक क्या करते हैं? गुंडा बैंक है जिसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, लेकिन सिर्फ पैसे दिए जाते हैं और जिस तरह से जिसको जितना मन हो वो उस रेट पे पैसे चार्ज कर लेता है। तो जहां एक तरफ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही हो, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं तो देखना ये होता है कि अब एक्शन क्या होगा। कानून का राज का परिभाषा बिहार सरकार ने बदल दिया है, उसका परिभाषा यही है जहां बेखौफ हो अपराधी। दलित महिला के साथ घटना घटी है, ये कानून पर एक तमाचा है, नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर एक तमाचा है। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, चाहे दोषी कोई भी हो उसको सजा मिलेगी, और अगर इस प्रकार की घटना अगर सत्य साबित हो जाती है तो कड़ी सी कड़ा सजा दी जाएगी, ताकि कोई व्यक्ति दोबारा पुनरावृत्ति करने का कल्पना भी न कर सके। आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं, सत्ताधारी और पुलिस जांच से ज्यादा देखते हैं कि आरोप अगर सच्चे हैं कि नहीं बोलने पर जोर देते हैं। विपक्ष सवाल उठाता है, और इन सब के बीच सिर्फ 1500 रुपए उधार न चुका पाने पर जीवन भर तक जख्म न भुला पाने वाली महिला है, जिन्हें न्याय दिलाने की दस्तक आपको देनी है। आदित्य वैभव, पटना, आज तक।